हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्टडी एंड फन। दोस्तों, ये जो एसएससी जेई का 2017 का पेपर जो कि जनवरी में हुआ था, 22 जन से 29 जन उसका आंसर किया गया है। और एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग जाके देख सकते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ, ये जो आंसर की है, ये देखिए जो पहला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है और कैंडिडेट आंसर है। इससे आपका कितना मार्क आता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप इसको चेक करें। तो पहले आप www.ssc.nih.in के साइट पे जाइए और वहाँ पे आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो आएगा जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ये आंसर की आएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे जाके, ये एक आंसर की टैब है, वहाँ पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड के लिए आएगा, तो आप डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिए। ये देखिए, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर वॉज हेल्ड फ्रॉम 22 to 29 एट डिफरेंट सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री। द कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट एलोंग विद द टेंटेटिव आंसर कीज आर नाउ अवेलेबल ऑन द लिंक गिवेन बिलो। द कैंडिडेट में लॉग इन एज पर द प्रोसीजर मेंशन इन द लिंक प्रोवाइडेड बिलो। तो और एक जरूरी सूचना है ये कि आप इसके बारे में, मतलब जो आंसर की है, अगर कोई आंसर आपको गलत लग रहा है तो आप इसके बारे आप कंप्लेन दे सकते हैं। और कंप्लेन देने के लिए डेट है 13 फरवरी टू 19 फरवरी, और आपको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे डाउनलोड करेंगे आंसर की देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, शायद यह लिंक काम नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाके आप इसको ओपन विथ WPS ऑफिस और कोई भी PDF फाइल ओपनर से, PDF रीडर से खोल लीजिए इसको। तो मैंने इसको खोल लिया। उसके बाद ये जो लिंक है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए तो आ जाएगा। कोई भी ब्राउजर से आप ओपन कीजिए इसको। तो यहाँ पे आ गया मॉड्यूल फॉर कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्लिक हियर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर देना पड़ेगा और पासवर्ड। ये रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है वो रोल नंबर, और एडमिट कार्ड के नीचे जो पासवर्ड लिखा होगा आपको दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ी। आपका एडमिट कार्ड देख लीजिए, वहाँ पे रोल नंबर के नीचे पासवर्ड लिखा होगा, वही पासवर्ड यहाँ पे डालिए। और आपका एग्जाम डेट, कौन से डेट पे आपका एग्जाम हुआ था वो आप यहाँ पे चूज करके सबमिट बटन दबा दीजिए, आपका ये आंसर शीट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए और कमेंट में लिखिए आपका कितना आंसर, कितना मार्क आ रहा है। चलिए देखते हैं कट ऑफ कितना जा रहा है। तो आप सब लोग कैलकुलेट करके कमेंट में लिखिए आपका कितना मार्क आ रहा है, ठीक है। अगर कोई आपको ये आंसर की ढूंढने में कोई तकलीफ हो रहा है तो आप कमेंट में लिखिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।